अस्सलाम वालेकुम अजीज सलवा, आज हम बायोलॉजी क्लास 9 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, जिसका नाम है सॉल्यूशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, यानी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम का हल। मैं कोशिश करूंगा कि उर्दू और इंग्लिश दोनों मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं वो एड्रेस हों इस लेक्चर से। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है और इसको हल कैसे किया जाता है। हमारी रोजमर्रा जिंदगी में मसाइल आते हैं, परेशानियाँ आती हैं, इसी तरह से जानदारों से मुताल्लिक भी मसाइल आते हैं। अब वो जो मसाइल हैं वो ऐसे सवालात हैं जिनका हमें पता नहीं लग रहा, हमें समझ नहीं आ रही और किससे रिलेटेड है, लिविंग ऑर्गेनिज्म से। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है, जैसे बायोलॉजी यानी कि जानदार या लिविंग ऑर्गेनिज्म और प्रॉब्लम यानी कि मसला। तो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम इज द प्रॉब्लम और इज द क्वेश्चन और क्योरी That is related to living organism. पहली बात तो ये समझ आ गई आपको कि जानदारों से मुताल्लिक कोई भी सवाल है वो बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कहलाएगा। अच्छा, अब वो सवाल है वो कौन करता है, कोई भी शख्स कर सकता है, किसी आम आदमी के जहन में आ गया कोई सवाल, या जो बायोलॉजिस्ट है यानी बायोलॉजी का जो माहिर है उस शख्स के जहन में खुद कोई सवाल आ गया जानदारों से मुताल्लिक, तो उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल प्रॉब्लम। मिसाल के तौर पे हम ये जानते हैं कि पौधे अपनी खुराक किस तरह खुद बनाते हैं, तो सवाल ये पैदा हो सकता है किसी के जहन में या बायोलॉजिस्ट के जहन में या किसी आम इंसान के जहन में कि पौधा खुराक किस तरह तैयार कर लेता है, और अगर जानवर खुराक खुद तैयार नहीं करते तो उसकी क्या वजह है, क्यों नहीं करते और पौधा अपनी खुराक क्यों तैयार कर लेता है। ये आपको मैंने मिसाल दी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को समझाने के लिए। तो उम्मीद है कि आपको इस पहले टॉपिक की समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं इसका सलूशन की तरफ। जैसे हम हमारी जिंदगी में जो मसला आता है, प्रॉब्लम्स आती हैं, उसका कोई ना कोई सलूशन होता है, उसको हम फाइंड आउट करते हैं और उस मसले का हल निकालते हैं, इसी तरह से जो बायोलॉजिकल क्वेश्चन हैं जानदारों से मुताल्लिक लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं उनका भी सलूशन निकाला जाता है और उस सलूशन के नतीजे में वो प्रॉब्लम जो है हल हो जाता है। सही है, तो इसके लिए जो तरीके का इस्तेमाल होता है वो उसका नाम है बायोलॉजिकल मेथड। ये वो तरीकेकार है जिसमें बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को हल किया जाता है, यानी कि द मेथड दैट इज यूज्ड टू सॉल्व अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज कॉल्ड अ बायोलॉजिकल मेथड। सही है, तो इसी तरह से साइंस की जो बाकी ब्रांचेज हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, जिनमें भी उन सवाल आते हैं साइंस के बारे में, तो उनको भी हम साइंटिफिक मेथड्स के जरिए ही हल करते हैं। तो बायोलॉजिकल मेथड हम कह सकते हैं कि साइंटिफिक मेथड का ही एक पार्ट है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हम लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया, चलें अब हम आगे थोड़ा सा एक और पढ़ लेते हैं कि जो बायोलॉजिकल मेथड है उसके कितने मराहिल हैं, कितने उसके स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले आता है प्रॉब्लम की पहचान। यानी सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, किस जानदार से रिलेटेड है, प्लांट से, एनिमल से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से, या आपके किस सिस्टम से रिलेटेड है। हमें पहले अच्छी तरह आइडेंटिफिकेशन होनी चाहिए कि प्रॉब्लम है क्या, कैसे हम जाते हैं ऑब्जर्वेशन या मुशाहदात की तरफ। मुशाहदात यानी कि ऑब्जर्वेशन जो कि हम अपनी फाइव सेंसेस से करते हैं और हम जो प्रॉब्लम है उसके बारे में इब्तदाई मालूमात हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर तीसरा जो मरहला आता है उसका नाम है हाइपोथेसिस बनाना या तश्कील देना। हाइपोथेसिस बनाना, सही है, जितने भी मराहिल आएंगे बायोलॉजिकल मेथड के इनको हम एक एक करके अलग लेक्चर्स में इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे और आपको इन सब की क्लैरिटी हो जाएगी। फिर चौथे नंबर पे मरहला आता है डिडक्शन। ठीक है, डिडक्शन बनाना। फिर पांचवे नंबर पे आ जाता है, जब डिडक्शन बन गई तो हमने फिर बात कर रहे हैं
अपने हाइपोथेसिस को साबित करने के लिए तजुर्बात करते हैं। तजुर्बात के बाद छठे नंबर पे आता है, उससे जो भी नतीजा आएगा तजर्बे के नतीजे में, जो भी हमारे पास डेटा इकट्ठा होगा उससे हम फिर ये पता लगाएंगे कि हमारा हाइपोथेसिस सही था या हमारा हाइपोथेसिस गलत था। तो उसके लिए फिर हम नतीजे का पहले खुलासा करेंगे। और एंड पे फिर हम नतीजे की रिपोर्टिंग करेंगे। यानी हम अपने पूरी रिसर्च के बारे में बताएंगे कि उसके क्या नतीजे हैं। तो इस सारे से आपको समझ आई होगी कि हम साइंस के अंदर और खास तौर पे बायोलॉजी के अंदर हम रिसर्च किस तरह करते हैं, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स के, डिफरेंट इश्यूज के सॉल्यूशन किस तरह फाइंड आउट करते हैं। और आप ये, आपने ये भी देखा होगा कि बहुत सारे मराहिल हैं जिनके जिनसे गुजरते हम बायोलॉजी के अंदर भी किसी भी सवाल का जवाब तलाश करने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है कि आपको उन सारी चीज़ों की समझ आई होगी। और इससे मुतालिक अगर कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लें। अगले लेक्चर में इंशाल्लाह हम इनका जो फर्स्ट स्टेप है कि बायोलॉजिकल प्रॉब्लम की पहचान, और सेकेंड स्टेप है मुशाहदात, हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।